हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप सभी को सर्वसंख्या पर आधारित प्रश्न कराए जाएंगे। प्रश्न है आपका x माइनस सेवन का होल क्यूब का प्रसार कीजिए, यानी इसको इसके विस्तृत रूप में लिखना होगा। जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, आप x को अगर a मानते हैं, 7 को अगर आप b मानते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस लगाइएगा। अब पूरे का पावर जरा 3 करिए, ये किसका सूत्र बनेगा? a माइनस b का होल क्यूब का। तो जब तक आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तब तक आप ऐसे सवाल नहीं लगा पाओगे। तो सबसे पहले a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला याद कर लीजिएगा। a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a का क्यूब माइनस क्या होता है b का क्यूब माइनस क्या होता है 3a स्क्वायर b प्लस क्या हो जाएगा, अब जो a स्क्वायर है वह नहीं रहेगा, अब 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ये छोटा सा फार्मूला है, इसे आप याद करके रखिएगा। अब जैसे आपको सवाल लगाना है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। एक ही जहाँ पर आपको क्या लिखना है, यक्स लिख लीजिएगा। जहाँ पर फॉर्मूले में भी है उसकी जहाँ पर आप सेवन लिख लीजिएगा। यक्स माइनस सेवन का होल क्यूब बराबर क्या होगा? एक ही जहाँ पर क्या होगा, एक ही जहाँ पर एक जो लिखे हुए हैं उसकी जहाँ पर आपको यक्स लिखना है तो यक्स का पावर 3 हो जाएगा। माइनस बी की जहाँ पर आपको क्या लिखना है, 7 लिखना है तो 7 का पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा, माइनस क्या है, 3a स्क्वायर b है। अगर इसे आप ब्रैकेट में कर लेंगे तो भी अच्छी बात होगी। जैसे देखिए, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इससे क्या होती है, ब्रैकेट लगाने से गलती नहीं होगी आपसे। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाइएगा, 3 है तो 3 लिखिएगा। अब a की जहाँ पर आपको क्या लिखना है, x लिखना है तो x का पावर 2 लिखेंगे। b की जहाँ पर आपको क्या लिखना है, 7 लिखना है तो यहाँ पर 7 लिखिएगा। प्लस यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू ए की जहाँ पर x लिखना है और b की जहाँ पर क्या लिखना है, 7 का पावर 2 हो जाएगा। b की जहाँ पर 7 दिखेंगे, b का पावर 2 है तो 7 का भी पावर 2 करेंगे। अगर ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा तो समझिए सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसी का मान आपको निकालना है x माइनस सेवन का होल क्यूब का। अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, x का पावर 3 है तो x का पावर हम क्या करेंगे, इस तरह से 3 लिखेंगे। अब अगर आप 7 का पावर 3 करोगे तो कितना आएगा, 343। 7 का पावर 3 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 × 49, 49 × 7 करोगे तो कितना आएगा, 343 आएगा। तो 343 को यहाँ पर लिखिएगा, माइनस का चिन्ह लगाइएगा। अब देखिए, 3 इंटू एक्स पावर 2 इंटू 7 है, ये आपस में गुणे में है तो 7 का गुणा 3 के साथ कर सकते हैं, 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। एक्स का पावर 2 है तो 21 एक्स पावर 2 इसे लिख लीजिएगा। प्लस का चिन्ह बनाइएगा, 3 इंटू एक्स इंटू 7 पावर 2 है। अब इनका भी आपस में आप गुणा कर सकते हैं। अब देखिए, 7 का पावर 2 है तो 7 का पावर 2 का मतलब 7 इंटू 7 होगा, 7 × 49। 49 में जब आप क्या करोगे, 3 से गुणा करोगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, 49 गुणे आप 3 करोगे तो 9 त्रिक कितना होता है, 27 होता है, हासिल आपका 2। 4 त्रिक कितना होता है, 12। 12 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 147 और ये x बचा तो 147 x रह जाएगा। आई बात समझ में? अब इसे आप क्या सिस्टमैटिक ढंग से लिख सकते हैं। जैसे देखिए, x का पावर 3 है तो x पावर 3 सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, माइनस 21 x का पावर 2 है, इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं, माइनस 21 x का पावर 2 इस तरह से लिख सकते हैं। प्लस 147 x है तो प्लस 147 x लिखिएगा। लास्ट में माइनस 343 लिख लीजिएगा, क्या, माइनस 343। ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह के जब भी सवाल आएंगे आप इसी तरह से सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व कराते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए दूसरा है, x प्लस 5y का होल क्यूब है का प्रसार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, आपको a प्लस b का होल क्यूब वाला फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप ऐसे प्रश्न गलत कर बैठेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के फार्मूला याद करिए। a प्लस b का क्या होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब होता है प्लस क्या होता है, b का क्यूब होता है प्लस क्या होता है, 3a स्क्वायर भी होता है प्लस क्या होता है, 3ab क्या होता है, स्क्वायर होता है। अगर आप एक फार्मूला याद कर लेंगे तो माइनस वाला भी आप इसे याद कर सकते हैं इसी तरह से। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या होगा, a की जहाँ पर x लिखिएगा, b की जहाँ पर 5y लिखिएगा। अब पूरे का क्या कर लीजिएगा, पावर 3 कर लीजिएगा। अब देखिए, जहाँ पर भी फार्मूले में a है उसके जहाँ पर x रखना है, b की जहाँ पर 5y लिखना है, तो a की जहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, x का पावर 3 लिख लूँगा। प्लस b की जहाँ पर आपको क्या लिखना है, 5 क्या लिखना है, y लिखना है। b का पावर 3 है तो पूरे का पावर हम क्या करेंगे, 3 करेंगे। प्लस का चिन्ह बनाएंगे, 3 इंटू कितना हो जाएगा, a की जहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, a की जहाँ पर मैं x लिखूंगा। अब x a का पावर 2 है तो x का पावर 2 होगा। b की जहाँ पर हमें क्या लिखना है, 5y लिखना है, तो यहाँ पर मैं 5y लिखता हूँ।
प्लस का चिन्ह बनाता हूँ, यहाँ पर देखिए 3ab स्क्वायर है, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, ए की जहाँ पर आपको यक्स लिखना है, इंटू बी की जहाँ पर आपको 5y लिखना है, तो यहाँ पर 5y लिखेंगे। अब बी का पावर 2 था तो 5y पूरे का पावर 2 करेंगे। अब इससे देखिए हमें इसी का मान निकालना है, तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, बराबर आपका क्या हो जाएगा, यक्स का पावर 3 तो यक्स का पावर 3 ही रहेगा, प्लस चिन्ह बनाएंगे, 5 का पावर 3 है और वाई का भी पावर 3 है, 5 का पावर 3 का मतलब 5 × 5 × 5, 5 × 25, 25, 25 × 5 कितना होता है, 125 होता है। अब देखिए y का पावर 3 हो जाएगा तो y का पावर 3 लिखेंगे, उसी साथ अगला स्टेप हमारा क्या होगा, 3 इंटू एक्स का पावर 2 इंटू 5y है, तो 3 का गुणा हम 5 के साथ करेंगे, 3 × 5 कितना हो जाएगा हमारा, प्लस 15 हो जाएगा। अब x का पावर 2 इंटू वाई है तो यहाँ पर x का पावर 2 इंटू इस तरह से y लिखेंगे। अगला देखिए क्या है, 3 इंटू एक्स इंटू 5y पावर 2 है। अब जरा ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, 5 का पावर 2 का मतलब 5 × 5 होगा, 5 × 5 कितना होगा, 25 होगा। अब 25 × आप क्या करिएगा, 25 × अगर आप 3 करते हैं तो कितना आएगा, 3 × 5 = 15, 5 हासिल लगे 1, 3 × 2 = 6, 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या बच रहा है, यक्स बच रहा है तो 75 यक्स होगा, वाई का पावर 2 है तो यहाँ पर वाई का पावर 2 इस तरह से लिखेंगे। अब इसे हम क्या सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं, यक्स का पावर 3 है तो यक्स का पावर 3 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर देखिए क्या है, 15x पावर 2y पहले लिखिएगा, फिर 75xy पावर 2 लिखिएगा, लास्ट में 125y पावर 3 लिख लीजिएगा। इसको हम पावर के हिसाब से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 15x का पावर 2y लिखेंगे, प्लस कितना लिखेंगे, 75xy पावर 2 लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, प्लस 125y का पावर 3 लिख लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, सलूशन हो जाएगा। इस तरह से हम क्या ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको दो सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे उनसे नेक्स्ट सवालों के साथ, इसी टॉपिक से संबंधित रहेंगे। इतने देर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।